रूस के ऐलान के जंग के बीच साफ तौर पर ये बात हमने आपको बताई कि 10 बड़ी तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। और अब जरा इस पूरे हमले की टाइमलाइन देखते हैं कि आखिर सिलसिलेवार ढंग से क्या घटनाक्रम हुआ आज सुबह से। तो पहले सुबह करीब 8 बजे पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण का ऐलान किया और इसके 5 मिनट बाद ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर तमाम हमले होने हैं। यूक्रेनी आर्मी को सरेंडर करने को कहा, लेकिन 5 मिनट बाद ही लगातार यहां पर हमले हुए। ये 8 बजे की टाइमलाइन है। किसी और ने दखल दिया तो पछताने की धमकी भी दी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो हमला था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि पूरी तरह से किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह 8:35 पर जो इंटरनेशनल रिएक्शंस थे तमाम राष्ट्राध्यक्षों के, वो सामने आने शुरू हुए। रूस का आक्रमण अनुचित और बेवजह। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा, हमने हमले के लिए रूस की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर सैंक्शंस, उस पर प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। 8:35 में ही मानवता के लिए कदम पीछे हटाए रूस, ये यूएन चीफ ने कहा। इसके साथ ही बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस संकट की घड़ी में तमाम बड़े लीडर्स को देखा। 9:15 राजधानी कीव के नजदीक एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें सामने आई। 9:15 ही बोरसिपिल एयरपोर्ट पर एक धमाका हुआ जो कि क्रूज मिसाइल से हुआ था और इसकी तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। 9:45 सुबह रूस ने संपूर्ण युद्ध की शुरुआत कर दी है, यूक्रेन ने ऑफिशियली ये बयान दिया। रूस ने कई शहरों में बमबारी की है और वहां के ऑफिशियल्स ने इस बात की जानकारी दी। सुबह 10:00 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई और इसमें अपील की गई कि शांति बहाली के लिए रूस कदम उठाए, ये उससे अपेक्षित नहीं था। हम सिर्फ यूक्रेनी सेना को निशाना बना रहे हैं, रूस ने कहा कि जो आम नागरिक हैं उन पर कोई हमला नहीं हो रहा है, वहां के डिफेंस सिस्टम पर हमला हो रहा है। रूस ने बेलारूस की तरफ से हमला किया, यूक्रेन ने यह जानकारी सुबह 11:00 दी। सुबह 11:00 ही रूस की तरफ से भी लगातार हमला जारी रहा और अलग अलग जो कह सकते हैं चौतरफा हमला रूस का साफ तौर पर। और ये दोपहर 12:00 यूक्रेन ने रूस के 5 विमान मार गिराने का दावा किया जिनकी संख्या अब 6 हो गई है और सैनिक 50 मारने का दावा यूक्रेन ने किया है। तो साफ तौर पर ये हमें नजर आ रहा है।